नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पंजाब में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब कोयले के बजाय ईंट के भट्टों को सीएनजी से संचालित करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सरकार मिशन तंदुरुस्त के तहत ये कार्य जल्द शुरू करने जा रही है। खुद को नवजोत सिंह सिद्धू का ओएसडी बताने वाले होटल कारोबारी अमरजीत सिंह पर अपने 3 साथियों के साथ एक अप्रवासी भारतीय से 1,60,00,000 की ठगी करने का आरोप लगा है। बाज नहीं आ रहा चीन सीमा पर, भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। अदालत की अवमानना, दोषी प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया। 15 सितंबर तक नहीं भरा तो 3 महीने की जेल होगी, 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। हरियाणा में संक्रमण, पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव, बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे प्रचार। हरियाणा में किसान अब कृषि यंत्र भी किराए पर ले सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसके बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है। CHC फार्म मशीनरी नामक मोबाइल ऐप को कोई भी किसान गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकता है। प्रदेश वन विभाग को सोमवार को नया प्रधान PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मिल गया है। सविता शर्मा हिमाचल की पहली महिला PCCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बन गई हैं। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने नियुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।